वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत्संगत, अज असी साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का आगमन पुरब मनाने लई इकत्र होए हां। मैं आप जीयां दी सेवा विच हाजर होवां। सत्संग ते लाहौर दी गाथा है। इस गाथा दा जड़ा है वो मुकद्दस खेड इत्थों शुरू हुंदी है कि एक घर है, घर दे विच जड़ा है बहुत खुशी खुशी परिवार रह रहा है। बड़िया इस घर दे विच खुशियां वरत रही ने, रब जी दियां रहमतां वरत रही ने। एक दिन वो आया जिस दिन इस घर दे विच पता चलिया कि एक घर का नवा मैंबर होर आउण लगा है। जदों ये पता लग्या ना ते उस वेले जड़ा है बड़ियां खुशियां मनाईयां गईयां, बड़ियां रब जी दियां रहमतां वरतियां, बड़ियां बख्शिशां वरतियां, बड़ियां जड़ा है गुरु साहब जी दियां खेडां वरतियां। साध संगत, इस घर दे अंदर जड़ा है एक बालक का जन्म हुंदा है। जिस वेले बालक का जन्म हुंदा है इस सब तो पहला बच्चा है ते इस बच्चे का नाम कहिंदे ने जेठा रख्या गया। साढ़े 56 तवारीख दे ग्रंथ जेड़े ने, तवारीख दे जेड़े मेन सोर्सस ने, उन्हां दे विच जेड़ा है बहुत ज्यादा जगह दे उपर ये लिखिया होया है कि 56 ग्रंथां दे विचों कोई जेड़ा है चंद ग्रंथ ने जिथे जेठा मिलेगा, नहीं तो सब ग्रंथां दे विच रामदास ही बचपन का नाम है। साध संगत, ये लाहौर पाकिस्तान दे विच सतगुरु दाता जीआं दा आगमन हुंदा है, जन्म हुंदा है। लाहौर दे विच चूनी मंडी लाहौर, चूनी मंडी लाहौर इस करके कहिंदे ने, बहुत सारे जड़ा है ये कह देंदे ने चूना मंडी लाहौर नहीं। द इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख लिटरेचर जड़ा साडा मेन स्रोत है, महान कोश जड़ा साडा मेन स्रोत है, उस स्रोत दे विच लिखिया होया चूनी मंडी लाहौर। चूना असी उन्नू कहने के मानो कि जदों कोई घर बनता सी, घर बनन दे लई जड़ा सी ना, उस वेले ओ जदों चूने की वरतों की जाती उहदे लई भी एक जगह मुकरर सी। पर सा संगत इत्थे चूनी मंडी लिखी है, चूनी मंडी जड़ा है, चूनी मंडी का अर्थ यह है कि उस महल्ले दे विच हीरे तराश किते जांदे सी। उस महल्ले दे विच जड़ा सी उत्थे हीरियां नू तराशिया जांदा सी ते जदों हीरियां नू तराशिया जांदा सी उहदे नालों जड़ियां ओ निक्की निक्की चूर पूर कट्ठी होनी, उहदे तों उस महल्ले दा नाम सी चूनी मंडी। चूनी मंडी लाहौर जड़ा है इथों साध संगत नाम पैंदा है। अज जड़ा है इस चूनी मंडी दे विच ओ परवदगार अज आ गए ने जिन्हां ने अजे अपना जड़ा वरतारे दी है ओ किसे नू समझ नहीं देनी, अजे सूझ नहीं देनी। साध संगत इत्थे जड़ा मालक दी खेड वरती, बख्शिश वरती, मौज वरती, बड़ी खुशी इस घर वरतन लगी ते जदों खुशी वरतन लगी ना ते साध संगत 2 साल दे सतगुरु जी होए ने। जदों 2 साल दे सतगुरु जी होए ने
ते कहिंदे ने गाथा वाले ये लिखदे ने कि जेड़ा है मां ने कई दफा मगर भजिया करना। नवे नवे जदों बच्चे नू पैर लगदे ने ना ते पुत्तर जेड़ा है मां कोलो भज भज के जांदा है बाहर नू। कहिंदे ने माता जी ने कंघी फड़नी ते जदों कंघी नू फड़ना उस वेले पुत्तर आ मैं तेरा सिर वावां। पुत्तर ने होर अगे भजना, मां ने फिर थोड़ी चावां नाल मगर भजना, पुत्तर ने होर अगे भजना। कहिंदे कई दफा माता जीआं ने बचन करिया करना कि देखी जिदण मैं मर गई ना तेरे मगर जेड़ा एदां पुत्तर किसे भजना नहीं। देखी जिदण मैं मर गई ना उदण तेरे मगर इस तरह किसे रोटी लेके नहीं भजना। उदण जेड़ा है तेरे मुंह विच किसे बुरकियां नहीं देनियां। साध संगत इउं लगदा कि जिदां होनी बड़ा लागे ए सुन रही होवे वरतारा। साध संगत कुछ ही महीने पैंदे ने इस लाहौर चूनी मंडी लाहौर दे विच इस घर दे विच होनी डांडव कर दी है। जदों डांडव कर दी है ना ते सब तो पहला होनी सतगुरां दी मां नूं दबोच दी है। साध संगत जदों माता जीआं नूं दबोच दी है सतगुरु दाता जी अजे 2.25 साल दी उम्र है। महाराज जी जेड़ा है शमशान जांदे ने। माता जीआं दा अंगीठा साहिब जेड़ा है अज लग्या देखदे ने, लांबू लगदियां देखदे ने, अज सारा वरतारा देखदे ने ते अंत अपने पिता हरदास जी दे नाल अपने घर आ जांदे ने। अज माता दया कौर जी दा अज इत्थे सारा अंगीठा साहिब दा वरतारा जेड़ा है ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 20-25 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਨਾਨੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਹਰਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ, ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਲ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਤੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਖਿਆਲ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਬਾਸਰਕੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਸਰਕੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ,
अपने पिता जिया ने जेड़ा कई बारी ना लाहौर दी गली वाले आ जांदे सन कार ते साथ संगत आन के इन्हां ने गाथा पाया करनी पुत्तर अजे ते हरदास तेरी जवानी दे उमर ने पुत्तर हरदास अजे तां जेड़ा है बहुत लम्मा पेंडा पिए पुत्र ए कीवें चलेगा बस इको बचन हुंदे सन के ए तन जेड़ा है ए केवल जेठे वास्ते है ए तन जेड़ा है ए तन जेठे दी मां है ए तन जेठे दा प्यो है एदे तो अलावा होर कुछ नहीं मैनू चाहिदा। सात संगत कहिंदे कई वारी हसदियां हसदियां ना जदों बाबा जेठा जिंगा ने रात सोया करना छाती ते सिर रख के इको गल पिता जिंगा नूं क्या करदा इको बचन पिता जिंगा नाल सांझा करिया करदा पिता जी मैनू एक वादा दिओ